का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 दिसंबर के फुल रिव्यू के बारे में, ठीक है, कि कितने बच्चों ने रिपोर्ट किया, रनिंग हुई नहीं, मेरी पेपर कैसा आया, कितने सेलेक्ट हुए और किस किस स्टेप पे कितने बच्चे निकले। और एक चीज़, अगर किसी को कोई डाउट हो किसी चीज़ की रिगार्डिंग, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर कोई भाई अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है तो वो भी मेरे को इन नंबर पर शेयर कर सकता है 9871589132। और कोई भी बात हो तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, किन्होंने अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर ले। एयरफोर्स की सारी अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो सबसे पहली चीज़, कितने कैंडिडेट ने रिपोर्ट किया। कैंडिडेट 170 बुलाए गए थे, 170 में से टोटल कैंडिडेट समथिंग अराउंड 90 के रिपोर्ट किए। तो एक चीज़ है, अब देखो यहाँ पे 60 बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया। 60 बच्चे रिपोर्ट इसलिए नहीं किए क्योंकि उनकी क्या थी, फेक परसेंटेज थी। फेक परसेंटेज होने की वजह से वो क्या रिपोर्ट नहीं करे, ठीक है। इवन स्टिल मतलब जो है 90 जिन कैंडिडेट ने रिपोर्ट किया, 90 बच्चों में से भी 3 से 5 बच्चे ऐसे थे जिनको डॉक्यूमेंट में आउट कर दिया, क्यों, क्योंकि उनके किसी के डोमेसाइल या फिर वो जो परसेंटेज वगैरह मैच नहीं कर रहे थे, इस वजह से उनको आउट कर दिया, ठीक है। तो बाकी जो भी बच्चे थे उनका फिजिकल वगैरह करवाया सबसे पहले, हाँ ओके। डॉक्यूमेंट में कितने 3 निकले, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जैसे ये हुआ। उसके बाद कंसेंट फॉर्म जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये 18+ और 18 से जो कम होते हैं उनके लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। 18 से कम है उनको पेरेंट्स से साइन करवा के ले जाने हैं, और जो 18+ है वो खुद साइन कर लेंगे। फिर उसके बाद फिजिकल, फिजिकल में क्या हुआ, रनिंग हुई नहीं है, रनिंग के अलावा क्या हुआ, 50 कदम ताल हुए हैं, 10 पुशअप, 20 उठक बैठक, और ये सब ये नॉर्मल हुआ था फिजिकल में, एज इन कोई इतना आउट नहीं हुए, ठीक है। फिजिकल नॉर्मली ऑलमोस्ट सबने पास किया फिजिकल। जैसे हुआ फिजिकल के बाद हुआ रिटर्न, रिटर्न पेपर क्या हुआ, ठीक ठाक पेपर आया था रिटर्न पेपर। रिटर्न पेपर में यही होता है कि रिटर्न पेपर एवरेज था, एवरेज इन द सेंस जिसमें फिजिक्स जो थी थोड़ी कह सकते हैं कि जिसमें बच्चों ने सबसे ज़्यादा दिक्कत फेस की होगी। अब एक चीज़ और देखिए, जो फिजिक्स थी इसमें वो थोड़ी ठीक ठाक थी, इस वजह से ये मानो रिटर्न पेपर में समथिंग अराउंड 20 से 25 बच्चे रिटर्न पेपर में आउट हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, रिटर्न पेपर की तैयारी अच्छे से करना। और किसी को रिटर्न पेपर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी को कोई सेक्शन कमज़ोर है तो उसके ऊपर बता सकते हैं, मैं वीडियो बना दूँगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इससे पहले भी मैथ्स पे, फिजिक्स पे 2-3 वीडियो बनाई हैं, उनको अगर नहीं देखा तब तक जाके उनको देखिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी उनको, ठीक है। जैसे रिटर्न हो गया, रिटर्न के बाद क्या, रिटर्न के बाद होता है SRT। SRT के सवाल वही ऑब्वियसली हर बार की तरह 45 क्वेश्चन सारे करना जरूरी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। SRT में बस 4 से 5 बच्चे आउट हुए हैं, सिर्फ SRT में 4 से 5 बच्चे आउट हुए। SRT के रिगार्डिंग अगर किसी को डाउट हो तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, वो जाके देख लीजिए। SRT के बाद कुछ नहीं, नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, PIQ फॉर्म वगैरह फिल करवाया। PIQ में फॉर्म फिल करवाने के बाद क्या, ग्रुप डिस्कशन के लिए ग्रुप बना दिए, ग्रुप बनाए, ठीक है। तो GD का जो एक टॉपिक तो मैं आपको बता देता हूँ, वही टॉपिक रिपीट हो रहे क्या, विलेज लाइफ और सिटी लाइफ, ठीक है। इसके अलावा यही फायर क्रैकर, ये कुछ टॉपिक हैं जो GD के बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक सोशल मीडिया और देख लीजिए, और GD के टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, वो भी आप जाके देख सकते हैं, GD के कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की रिगार्डिंग आप वहाँ पे देख सकते हैं। और फाइनली जो टोटल जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब 90 बच्चे आए थे, उनमें से सारे निकलने के बाद यहाँ पे समथिंग अराउंड 45 to 50 बच्चे क्या हैं फाइनली सेलेक्ट हुए हैं, किसके लिए, मेडिकल के लिए। और इनको मेडिकल की डेट क्या दी है, 28th of December, ठीक है। तो ये था आज का फुल रिव्यू दिल्ली का, ठीक है। और एक चीज़, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वही बात है, वो बार बार बोलूँ, GD में बोलना ज़रूरी है। GD में 9 बच्चे आउट हुए थे जस्ट इसी वजह से क्योंकि वो बोले नहीं, तो बोलना ज़रूरी है GD में। और दूसरी चीज़ फिजिक्स, जो रिटर्न पेपर में जो दिक्कत आती है वो क्या, फिजिक्स और मैथ्स के फॉर्मूले आप अच्छे से पढ़ गए ना, आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसी तरीके अच्छी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो कोई भाई एयरफोर्स की तैयारी करे उसके साथ शेयर करें। टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि आपको वहाँ पर भी वीडियो की नई नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई बात की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।